हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे बाउचेरिया बैंकॉप्टाई के बारे में। बाउचेरिया बैंकॉप्टाई को फाइलेरियल वर्म कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए एक डिजीज़ फाइलेरिया प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसे फाइलेरियल वर्म कहा जाता है। और इस फाइलेरिया डिजीज़ को एलिफेंटियसिस भी कहा जाता है क्योंकि बॉडी के जिस पार्ट में इनके वर्म पाए जाते हैं उस रीजन में ये ब्लड वेसल्स को और लिम्फ ग्लैंड्स में लिम्फ को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का वो पार्ट उस पार्ट में स्वेलन हो जाती है, मीन्स सूजन आ जाती है। अगर ये लेग रीजन में इनके वर्म पाए जाते हैं तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, लिम्फ को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में सर्कुलेशन इनका नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से वो रीजन, लेग का रीजन पूरी तरीके से स्वेलन हो जाता है और इसी को एलिफेंटियसिस डिजीज़ कहा जाता है। आइए इसके सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में जान लेते हैं। ये फाइलम नेमेटोडा, क्लास फाइजमेडिया, ऑर्डर फाइलेरोइडिया, जीनस बाउचेरिया, एंड स्पीसीज इसकी होती है बैंकॉप्टाई। हैबिट्स और हैबिटेट के बारे में ये देखते हैं तो इनकी हैबिट्स होती है, फाइलेरियल वर्म है, ये ह्यूमन का पैरासाइट है, मीन्स फाइलेरियल वर्म इज अ ह्यूमन पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ह्यूमन की बॉडी में लिम्फ ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है और जिसकी वजह से उसको ब्लॉक कर देता है और डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। तो फाइलेरियल वर्म इज अ ह्यूमन पैरासाइट, ह्यूमन का, मानव का पैरासाइट है, मानव में ये परजीवी होता है और वो भी ये ब्लड और लिम्फ में पाया जाता है। इट इज़ डाइजेनेटिक, ये डाइजेनेटिक होता है, मींस ऐसे एनिमल जिनकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, ऐसे एनिमल को डाइजेनेटिक कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट होस्ट इज मस्कीटो, जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो मॉस्किटो होती है, एंड फाइनल होस्ट इज द मैन, और फाइनल होस्ट होता है मैन, मानव। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है डाइजेनेटिक होती है, इनकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्किटो और फाइनल होस्ट मैन होता है। इनके स्ट्रक्चर में जैसे कि हमने बताया कि ये थ्रेड लाइक वर्म होते हैं और जो इंटीरियर एंड होता है वो पोस्टीरियर एंड की अपेक्षा कुछ ब्रॉडर होता है, और जबकि पोस्टीरियर एंड जो होता है वो एक तरीके से टेपरिंग एंड रखता है। तो जो ये एडल्ट वर्म होता है, इसके स्ट्रक्चर में शेप एंड साइज में एडल्ट वर्म आर फिलीफॉर्म एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। जो एडल्ट वर्म होता है इसका, फाइलेरिया का या बाउचेरिया बैंकॉप्टाई का, वो फिलीफॉर्म होता है। फिलीफॉर्म मीन्स थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक धागे के समान संरचना इसकी होती है और ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर के आकार का ये होता है। सिलेंडर मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एक पेन लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल होती है। दे आर क्रीमी वाइट इन कलर, ये क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। सेक्स आर सेपरेट, जो इनके सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मीन्स इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं इसकी वजह से, और वो भी इनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मेल और फीमेल को, मेल में अलग स्ट्रक्चर और फीमेल में अलग स्ट्रक्चर, मीन्स जो मेल होता है वो फीमेल की अपेक्षा छोटा और जो फीमेल होती है वो मेल से बड़ी होती है इसकी वजह से, और इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं दोनों बॉडी में, मीन्स मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, इसकी वजह से ऐसे एनिमल जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग बॉडी में पाया जाता है और उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ऐसे एनिमल में पाए जाने वाले करेक्टर्स को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है, जिनमें मेल और फीमेल करेक्टर्स अलग अलग हों। मेल मेजर्स 40 mm इन लेंथ एंड 0.1 mm इन डायमीटर, जो मेल होता है वो 40 mm लंबा होता है और 0.1 mm डायमीटर में होता है, 0.1
डायमीटर गोलाई में होता है और 40 एमएम ये लंबा होता है। फीमेल मेजर्स 65 एमएम 200 एमएम लेंथ। जो फीमेल होती है ये मेल की अपेक्षा बड़ी होती है, हमने पहले बताया कि ये 65 से 65 से 100 एमएम ये लंबी होती है एंड 0.25 एमएम इन डायमीटर, और ये गोलाई में हम कह सकते हैं कि 0.25 मिलीमीटर डायमीटर में होती है। तो इनके स्ट्रक्चर में हमने बताया कि जो एंटीरियर इंड होता है वो पोस्टीरियर इंड की अपेक्षा कुछ ब्रॉडर होता है और इलास्टिक होता है, जो कि एक तरीके वेरी सॉफ्ट होता है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्यूटिकुलर सीथ। और क्यूटिकुलर सीथ के नीचे एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि माउथ के रूप में ओपन होती है, माउथ अपर्चर होता है, माउथ पोर होता है, इसे ओरल स्टाइलेट्स कहा जाता है। यहीं से ही माउथ ओपन होता है, और इसकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर में दोनों साइड में एपिडर्मल सेल लगी हुई होती हैं। एपिडर्मल सेल एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं इंटीरियर से लेकर पूरे पोस्टीरियर रीजन तक, और ओरल स्टाइलेट्स के जस्ट नीचे कुछ ही दूरी पर दोनों एपिडर्मल लाइन को क्रॉस करती हैं नर्व रिंग्स। दोनों एपिडर्मल लाइंस को जोड़ने का वर्क करती है, एक तरीके से बीच में पाई जाती हैं इसे एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है नर्व रिंग्स, और नर्व रिंग्स के नीचे एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली के समान संरचना पाई जाती है जिसे ब्लैडर कहा जाता है, और ये ब्लैडर बाहर के बॉडी से बाहर ओपन होता है एक पोर के रूप में जिसे नेफ्रिडियो पोर कहा जाता है। और नेफ्रिडियो पोर्स और ब्लैडर्स के जस्ट नीचे एक सेल पाई जाती है, लोअर सेल्स पाई जाती है जिसे रेनेट सेल्स कहा जाता है, और माना जाता है कि रेनेट सेल्स के एक तरीके से रेनेट सेल्स ही इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिन या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर मींस एक तरीके से ब्लैडर में रिलीज करते हैं, और ब्लैडर नेफ्रिडियो पोर के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज करता है। और इनकी बॉडी में एंटीरियर टू पूरी बॉडी में सूक्ष्म काफ़ी ढेर सारी मात्रा में छोटी छोटी एक सेल पाई जाती हैं जिसे सोमैटिक सेल कहा जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक या इंटीरियर रीजन से लेकर पोस्टीरियर रीजन तक टेल रीजन तक फैली होती हैं ढेर सारी सेल्स जिसे सोमैटिक सेल कहा जाता है। ये सारी सोमैटिक सेल्स होती हैं, और मिडिल रीजन में एक ब्लैक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एंटीरियर मास कहा जाता है। और फिर टेल रीजन्स के समीप में चार बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती हैं, 1, 2, 3, 4 मींस फोर लार्ज सेल्स पाई जाती हैं, और इसी दो लार्ज सेल्स एक एनस के समीप में एक पोर टेल रीजन में ओपन होता है जिससे एनस कहा जाता है, जिसके जरिए ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज करती हैं, और इसके दोनों साइड में लार्ज सेल्स सिचुएटेड होती हैं, मींस दो लार्ज सेल यहाँ पर और दो लार्ज सेल यहाँ पर पाई जाती हैं। और जो टेपरिंग इंड होता है लास्ट बॉडी के लास्ट पार्ट में जो टेपरिंग इंड होता है जिसे टेल कहा जाता है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से थ्रेड लाइक हो। तो आइए इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। माउथ अपर्चर इज सिंपल विदाउट लिप। इनमें जो माउथ अपर्चर होता है, माउथ पोर जो होता है, वो बहुत सिंपल होता है विदाउट लिप, बिना लिप के या बिना उसके चारों तरफ किसी बॉर्डर के, जिसे हम ओट कहते हैं, बिना किसी बॉर्डर के माउथ अपर्चर पाया जाता है। फायरिंग सारासोफेगस इज डिवाइजेबल इन टू एन एंटीरियर मैस्कुलर पोर्सन एंड पोस्टीरियर ग्लैंडुलर पोर्सन। जो फेरिंग्स रीजन होता है, आसोफेगस होती है, वो दो पार्ट में डिवाइजेबल होती है, एक एंटीरियर मैस्कुलर पोर्शन जो ऊपर की तरफ पाया जाता है पार्ट, इसे एंटीरियर मैस्कुलर पोर्शन पर कहा जाता है, और जबकि जो
डिस्टल रीजन में पाया जाता है, जिसे पोस्टीरियर ग्लैंडुलर पोर्शन कहा जाता है, पोस्टीरियर ग्लैंडुलर पोर्शन कहा जाता है, जो बॉडी से टेपरिंग इन जो पीछे की तरफ होता है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उस स्ट्रक्चर्स को पोस्टीरियर ग्लैंडुलर पोर्शन कहा जाता है। इंटेस्टाइन इज सिंपल, इंटेस्टाइन जो इनकी होती है ये सामान्य होती है, साधारण होती है कह सकते हैं। पोस्टीरियर इन ऑफ द फीमेल, पोस्टीरियर इन ऑफ द मेल इज शार्पली कर्व्ड वेंट्रली, जो पोस्टीरियर इन होता है मेल का वो काफ़ी नोकीला और वेंट्रली पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, या अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है हम कह सकते हैं, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है। कंटेनिंग अ नंबर ऑफ जेनिटल पाइपलिया टू अनइक्वल स्पीक्यूल्स, इनमें जेनिटल पाइपलिया पाया जाता है और दो अनइक्वल मीन्स एक छोटा और एक बड़ा स्पीक्यूल्स पाया जाता है, जो एक तरीके से माना जाता है कि इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है जो पेनिट्रेट करने में मदद करता है इनटू द फीमेल वल्वा, फीमेल के वल्वा में पेनिट्रेट करने में मदद करता है, इसे जेनिटल पाइपलिया, और उस जेनिटल पाइपलिया पर अटैच होते हैं टू अनइक्वल स्पीक्यूल्स, यही स्पीक्यूल्स पेनिट्रेट करते हैं फीमेल वल्वा में। जेनिटल पोर ऑफ फीमेल इज लोकेटेड वेंट्रली एज ओविजेक्टर, जो जेनिटल पोर होता है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे जेनिटल पोर कहते हैं, और उस जेनिटल पोर्स वो जेनिटल पोर वेंट्रली पीछे की तरफ ही एक तरीके से बॉडी के मिडिल रीजन में, बॉडी के मिडिल रीजन में एक पोर के रूप में एराइजेज होता है जिसे जेनिटल पोर कहा जाता है, और उस पोर उस रीजन को जहाँ पर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वेजाइना लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है और उस यूटेरस लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उसी को ओविजेक्टर कहा जाता है, और जो पोर ओपन होता है जिसे बल्बा कहा जाता है।